ये घटना आज से करीब 42 वर्ष पूर्व 27 जून 1976 की इसराइल की राजधानी तेल अवीव से पेरिस जा रही एयर फ्रांस की फ्लाइट ने एथेंस में रुकने के बाद फिर से उड़ान भरकर चली थी कि चार अपहरणकर्ताओं ने विमान का अपहरण कर लिया, जिसमें 2 फिलिस्तीन और 2 जर्मनी के थे। इस विमान में ज्यादातर इसराइल के यहूदी नागरिक सवार थे। विमान को बंधक बनाने के बाद उन्होंने पायलट को लीबिया के साथ बेनागाजी चलने का आदेश दिया, जहां पर विमान में ईंधन भरा गया और उसके बाद विमान को युगांडा स्थित एंटेबे एयरपोर्ट पे लाया गया। उस समय युगांडा में तानाशाह इदी अमीन का शासन था, जो कि अपहरणकर्ताओं से सहानुभूति रखता था और एक तरह से उनकी मदद कर रहा था। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इसराइल से अपनी मांग रखी कि इसराइल, कीनिया और तत्कालीन पश्चिमी जर्मनी की जेलों में रह रहे 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, नहीं तो वे बंधकों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। एक देश के रूप में इसराइल के लिए ये बहुत बड़े संकट की घड़ी थी। उसके सैकड़ों नागरिकों के जान का सवाल था और वहीं बंधकों में इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबिन्स के रिश्तेदार भी शामिल थे। इसराइल की सरकार पर दो तरफा दबाव बनने लगा, एक ओर अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा का और वहीं दूसरी ओर इसराइली आत्मसम्मान का, जो उन्हें अपहरणकर्ताओं के आगे घुटने टेकने नहीं दे रहा था। इस मौके पर इसराइल ने अमेरिका सहित कई देशों के सहारे युगांडा की सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। बातचीत के हर पैंतरे आजमाने के बाद अंततः इसराइल ने उस आत्मघाती कदम को उठाने का निर्णय ले लिया, जिसके बारे में बड़ा से बड़ा देश शायद ही कभी अपने सपने में सोच पाए। जी हाँ, इसराइल की सरकार ने सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया और इसराइली सेना के 200 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को इस मिशन के लिए चुना गया। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसराइल से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा जाकर फिर 4000 किलोमीटर वापस भी इसराइल आना था, इसलिए हवा में ही उड़ते विमान से दूसरे विमान में ईंधन भरा गया, जो कि उस समय के लिहाज से बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक और रुकावट जो इस मिशन के रास्ते में आ सकती थी वो ये कि कहीं एंटेबे हवाई अड्डे के रनवे की बत्तियां रात में बुझा तो नहीं दी जाएंगी, और इदी अमीन के सैनिक विमान को उतरने से रोकने के लिए रनवे पर ट्रक तो नहीं खड़ा कर देंगे। मिशन में आने वाली इन सारी परेशानियों से बिना घबराए हुए अंततः 4 जुलाई 1976 को इसराइल के साइनाइस बेस से 4 हरकुलिस जहाजों ने उड़ान भरा। सिर्फ 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए उन्होंने लाल सागर पार किया, ताकि मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडार उन्हें पकड़ न पाए। रास्ते में इसराइली कमांडोज ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहन ली। 7 घंटे लगातार उड़ान भरने के बाद आखिरकार रात के 1 बजे पहला हरकुलिस विमान एंटेबे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा। उस समय रनवे की लाइट जल रही थी। लैंड करने से 8 मिनट पहले ही हरकुलिस के रैंप खोल दिए गए, ताकि कम से कम समय जाया हो। लैंड करते ही पायलट ने विमान को रनवे के बीचों बीच रोक लिया, ताकि पैराट्रूपर्स के एक दल को नीचे उतारा जा सके और वो रनवे पर पीछे आ रहे विमानों के लिए इमरजेंसी लाइट लगा सके। उसके बाद जहाज में पहले से लोड की गई एक काली मर्सिडीज कार और कमांडोज से भरी 2 लैंड रोबस गाड़ियां भी उतारी गई। वाहनों का ये काफिला हूबहू इदी अमीन के साथ चलने वाले वाहनों के काफिले जैसा ही था। इजरायली उम्मीद कर रहे थे कि काली मर्सिडीज कार और वाहनों का वैसा ही काफिला देखकर युगांडा के सैनिक समझेंगे कि इदी अमीन बंधकों से मिलने आए हैं, लेकिन इजरायलियों को ये पता नहीं था कि कुछ दिन पहले ही अमीन ने अपनी कार बदल ली है और अब वो सफेद मर्सिडीज कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह थी कि टर्मिनल के बाहर खड़े युगांडा के सैनिकों ने अपनी राइफलें निकाल ली, लेकिन इजरायली कमांडोज ने उन्हें साइलेंसर लगी बंदूकों से वहीं उड़ा दिया। लेकिन अब उनका भेद खुल चुका था, अतः अब इजरायली सैनिकों ने वाहनों से उतरकर पैदल ही उस टर्मिनल के भवन पर धावा बोल दिया, जहां इजरायली बंदूकों को रखा गया था। कमांडोज ने बुलहार्न के जरिए बंदूकों से अंग्रेजी और हिब्रू में कहा कि वो इजरायली सैनिक हैं और उन्हें बचाने के लिए आए हैं। इजरायली सैनिकों ने यात्रियों से फौरन लेट जाने के लिए कहा और थोड़े देर के सैनिक कार्रवाई में सभी अपहरणकर्ताओं को मार गिराया गया। इस बीच 2 और इजरायली विमान वहां उतर चुके थे, उनमें भी इजरायली सैनिक थे। 4था विमान पूरी तरह से खाली था बचाए गए बंधकों के लिए। एंटेबे पर उतरने के 20 मिनट के अंदर ही बंधकों को लैंड रोवर्स में भरकर खाली विमान में पहुंचाया जाने लगा। इसी बीच युगांडाई सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और पूरे हवाई अड्डे की लाइट बुझा दिए।
किंतु सभी बाधाओं को पार करते हुए इजरायली सैनिकों ने इस अभियान को सफलता तक पहुंचाया और इस पूरे अभियान में इजरायल का सिर्फ एक सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू मारे गए। 4 जुलाई की सुबह बचाए गए 102 यात्री और इजरायली कमांडोस ने रैनूबी होते हुए तेल अवीव पहुंचे। इस पूरे अभियान को विश्व के इतिहास का सबसे दुस्साहसी अभियान माना जाता है और निश्चित ही इस अभियान ने दुनिया को दिखा दिया कि भले ही एक देश के रूप में इजरायल का आकार बहुत छोटा है, लेकिन उसका साहस, देश प्रेम और विकट से विकट परिस्थिति में भी देश के मान स्वाभिमान की रक्षा करने की इजरायली नागरिकों का संकल्प आसमान से भी बड़ा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।